हेलो हाय मिस्टर केल्विन। वालेकुम सलाम। बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू बीड़ी। सर ओड़ी पहचाने? अबे बिल गेट्स। आप बिल गेट्स से मिलते हैं माशाल्लाह, किसी ने आपको बताया? मस्ती का रहे हैं, बाद आ जा तू। शक्ल आपकी बिल्कुल बिल गेट्स वाली है। शक्ल को छोड़ो, बिल गेट का जेब मिलना चाहिए। बिल गेट जैसी जेब होनी चाहिए। बिल गेट जैसी जेब होनी चाहिए। अंकल वो कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? ऐसा क्या कह दिया मैंने अंकल? नहीं नहीं, है एक जानदार, दूध और अंडे दोनों दे रहा है। अच्छा, हरमानी कौन सा ऐसा जानदार है जो दूध और अंडा दोनों देता है? दूध और अंडा दोनों। जवाब नहीं दिया, रेडी पलट देगा ऊपर। यार ये हमारे को नहीं आता है। दूध और अंडे देता है? दूध और अंडे दोनों दे रहा है। मुर्गी? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं, मुर्गी दूध कब दे रही है भाई, हमें बताओ। हम तो वही गाय और भैंस का पी रहे, मुर्गी भी दूध दे रही है क्या? किसको? गधी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिसेस गधा। अबे साले आप कहाँ फेर रहे हैं, आप कहाँ फेर रहे हैं आप? चाचा मिस, आप बताएं क्या बोलेंगे गधी को, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कहूँगा ना, आप बताएं। अरे चाचा लड़ने आए हो क्या? जी जी। वो कौन सी चीज है जिससे धुआं उठ रहा है मगर गर्म नहीं हो रही? वो कौन सी चीज है जिससे धुआं उठ रहा है लेकिन गर्म नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। खोपड़ी इंसान की? नहीं सर। क्या? हरमानी? बर्फ। सही है सही है। हाँ ठंडी है वो तो है। आज मेरे पास है जी ये chiltonpure.com का मेकअप सेटिंग स्प्रे, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं chiltonpure.com से। सर वो कौन सा ऐसा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? दूध और अंडे दोनों दे नहीं पता। हाँ सर जी, कौन सा ऐसा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? बेकरी वाला। बेकरी वाला है? हाँ। आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया ना शादी में, खरीद खरीद के एक्सपीरियंस हो गया है। अंडे देते देते और दूध लेते रहते। नहीं नहीं, दूध भी दे रहे और अंडे भी दे रहे, कौन सा ऐसा जानदार है ये पता? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बेकरी वाला। बेकरी वाला है ना? नहीं पता है। बेकरी वाला। बेकरी वाला। वो कौन सा ऐसा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? ओहो, बड़ा टाइट क्वेश्चन कर दिया अमर भाई। हाँ दूध और अंडे दोनों दे रहा है। बेकरी वाला तो नहीं? हाँ। जब तुम्हें पता था तो ये इतना मुझे 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 क्यों ऊपर से लाया तुम? मैम जरूर डालिएगा इसमें। आपको बोलना था ना कि भाई इतना आसान सवाल लेके आ गया। मैं तो सोचा कोई कर दिया। मैं कोई बहुत मुश्किल सवाल करता हूँ। आप सवाल करें। एक जहाज जा रहा होता है, ठीक है, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गिरता है, क्रैश हो जाता है। उनके जो सर्वाइवल है उनको कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? एक सेकंड यार, मुझे आ रहा है बीच में कोई कुछ ना बोलो। देखो पाकिस्तान में ही दफनाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो दफनाते ही नहीं है भाई। सर्वाइवल के नहीं आ रहे पार्टी, सर्वाइवल्स को क्यों दफनाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ये काट देना वे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। और आज का जो मैंने सवाल किया है वो मुझे किसी ने इनबॉक्स करके बताया था। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि लोगों से मैं पूछूं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।